कि आपको पता है सेंट लूसी ऐसी एकमात्र कंट्री है जिसका नाम एक वूमेन के बाद में पड़ा, और क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस से रिकवर होने में कितना समय लगता है एक माइल्ड पेशेंट को। ऐसे रैंडम फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टी मैन पर लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर वन, क्या हो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी मसल है जो एक एंड से जुड़ी हुई है। हमारी बॉडी में जितनी मसल्स होती हैं वो टू एंड से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमारी जीभ ऐसी एक मसल है हमारे पूरे इंटायर बॉडी में जो केवल एक एंड से जुड़ी हुई है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है हमारे जो वर्ल्ड है कितना बड़ा सरफेस में फैला हुआ है, पूरा वर्ल्ड इंटायर वर्ल्ड है, उसका जो 75% पॉपुलेशन है उसके लिए जो खाना प्रोड्यूस होता है वो केवल 12 प्लांट्स ऑफ स्पीशीज से आता है और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज से आता है एनिमल्स की। मतलब पूरा जितना भी इंटायर वर्ल्ड है उसका जो 75% पॉपुलेशन, मतलब अराउंड 4-5 बिलियन के अप्रोक्सीमेट, इतनी पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 12 स्पीशीज से खाना प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स से और कुछ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स से। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है एक बार एप्पल कंपनी ने अपना एक सेंटर बनाने का सोचा, तो उन्होंने एक लैंड चूज किया कि उन्हें कहाँ पे बनाना है, लेकिन वहाँ पे एक कपल का घर था जो कि उनकी उम्र 34 ईयर्स के आसपास थी, तो उन्होंने सबसे पहले एप्पल कंपनी को साफ साफ मना कर दिया कि वो उन्हें उनका घर नहीं बेचने देंगे। वो पता है उन्होंने एप्पल ने उनको ऐसी क्या कीमत दी उन कपल्स को जो वो एकदम फटाक से मान गए। तो वो कीमत थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, $1.7 मिलियन, और अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखें तो वो है 12,48,50,805 INR इंडियन रुपीस। ये उन्होंने देने का उन्हें वादा किया और वो एकदम फटाक से वहां पे नगर छोड़ दिया। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है अगर अर्थ फ्लैट होती, आपको पता है अर्थ गोल होती है, लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमारी आईज इतनी सेंसिटिव हैं कि अगर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होता बीच में, एकदम पूरा खाली होता, तो हम 48 किलोमीटर दूर, मतलब 30 माइल्स दूर से भी अगर एक छोटी सी कैंडल जल रही है तो हमारी आईज उसे कैच कर सकती है। हमारी आईज इतनी सेंसिटिव होती है, मतलब कितना ज़्यादा होता है 30 माइल्स 48 किलोमीटर। फैक्ट नंबर फाइव, सभी का कॉमन क्वेश्चन होता है कि कोरोना वायरस के पेशेंट को रिकवर होने में कितना समय लगता है, तो मेरा ये आंसर है कि रिसर्च में पता चला है कि डॉक्टर्स के मुताबिक एक कोरोना वायरस का पेशेंट है तो वो अगर माइल्ड केस है कोरोना वायरस का तो उसे 2-3 हफ्ते लगेंगे रिकवर होने में, अगर उसे अच्छे से हॉस्पिटलाइज किया गया सही समय पर। लेकिन अगर क्रिटिकल कंडीशन है, उसे अगर बाद पता चलता है एक पेशेंट को कि उसे कोरोना वायरस है, तो उससे 1.5-2 महीने लग सकता है अप्रोक्सीमेट रिकवर होने में अगर उसे अच्छे से हॉस्पिटलाइज किया गया। और अगर एक पेशेंट को पता है कि उसे कोरोना वायरस है लेकिन अगर उसने अपने आप को सही समय पर हॉस्पिटलाइज नहीं किया तो उसकी छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का यही मकसद था कि हम आपको बताएं कि कोरोना वायरस के पेशेंट को रिकवर होने में कितना समय लगता है और अगर क्रिटिकल कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है, तो उसे कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो हम मिलेंगे। और हमारे चैनल पर हर संडे को मैं वीडियो डालता हूं, तो आप चेकिंग करके देख सकते हैं हमारे चैनल पर, आपको हर संडे एक नई वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर, जो आपने कभी नहीं ऐसे फैक्ट सुने और देखे होंगे आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक करके, जिससे आपको एकदम बेस्ट अपडेट्स मिल सके, जिससे आप अपने दोस्तों को बता सके कि मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।